हाय एवरीवन। अच्छा, आपने कभी रॉक क्लाइंबिंग की है? मुझे तो बहुत मन था। तो एक बार हम सभी फ्रेंड्स ने मिलकर प्लान बनाया कि रॉक क्लाइंबिंग करके आते हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग करने गए, पर वहाँ जाके पता चला कि सेफ्टी गियर लाना तो भूल ही गए। अब वही जो रस्सी होती है ना, जो अपने को पकड़ के रखती है जब हम रॉक पे चढ़ते हैं, वही लाना भूल गए। पर मेरे एक फ्रेंड को बहुत जोश चढ़ा कि नहीं, आज आए हैं तो रॉक क्लाइंबिंग करके ही जाएंगे। तो मैंने बोला, हाँ, जा, गिरेगा तो कोई पेड़ या पत्ता तो पकड़ ही लेगा ना, फिर भले ही तू जिंदा हो या मरा हो, कैश तो पक्का कर लेगा। हाँ, तो ये मेरा वही फ्रेंड है जो ट्रेडिंग भी बिना स्टॉप लॉस लगाए करता है। अच्छा, तो जब हम पहाड़ पे ट्रैकिंग कर रहे थे ना, तो मैंने उसको धीरे से पूछा कि भाई इस वीक कितना नुकसान किया? तो धीरे से बोला, 10,000 रुपए। तो मैं बोला, क्या तू पागल हो गया है क्या? इतना हर वीक क्यों नुकसान झेलता है? तेरे पास ज्यादा पैसे हो गए क्या? संभाल ही नहीं जा रहे क्या? ज्यादा हो गए ना तो मुझे दे दिया कर, मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी यार। तो मेरा फ्रेंड बोला कि अरे, पर स्टॉप लॉस में भी तो नुकसान ही होता है ना। तो मैंने बोला, होता है पर लिमिट में होता है। तो तुम स्टॉप लॉस उस लेवल पर लगा सकते हो जितना लॉस तुम्हारे लिए मैनेजेबल है। तो मान लो मार्केट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से उल्टा हो गया, तो ये स्टॉप लॉस ही है जो ज्यादा नुकसान होने से तुम्हें बचाता है। तो बेसिकली ये तुम्हारा सेफ्टी गियर है। ज्यादातर ब्रोकर जब भी कोई ट्रेडिंग टिप देते हैं ना, हमेशा स्टॉप लॉस का प्राइस भी बताते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ कि अगर तुम्हें स्टॉप लॉस मिलता है तो लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे ब्रोकर ने रिकमेंडेशन दिया टू बाय गोल्ड मिनी एट प्राइस 44,961.5, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस है 45,225 एंड स्टॉप लॉस है 44,785। इसका मार्जिन देखते हैं और इसका लॉट साइज देखते हैं। सो इधर इस ट्रेड का मार्जिन है 41,495 रुपीज। गोल्ड मिनी का वन लॉट साइज है 100। पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट एंट्री प्राइस फ्रॉम टारगेट प्राइस, इस 263.5 को इसके लॉट साइड से मल्टीप्लाई करो। सो ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, मतलब इस ट्रेड पर 26,350 का प्रॉफिट हो सकता है अगर टारगेट प्राइस हिट होता है। अब अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो कितना लॉस है? तो स्टॉप लॉस के प्राइस को एंट्री प्राइस से माइनस करो और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि लॉट साइज है 100। आंसर इज -17,650। सो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि एक दिन में तुम इतना लॉस मैनेज कर सकते हो क्या, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो। हर एक ट्रेडिंग टिप में स्टॉप लॉस के हिसाब से कैलकुलेट करो कि एक्सपेक्टेड लॉस कितना है और उसके हिसाब से डिसाइड करो कि कौन से ट्रेड में तुम एंटर हो सकते हो। अच्छा, फिर वो जब हम पहाड़ से गुजर रहे थे ना, तो वहाँ पे हमें चूहा दिखा। तो मेरा फ्रेंड बोला कि अरे, मुझे लगता है कि मेरे घर में मेरा एक चूहा आ गया है। तो मैंने बोला, कैसे? तो बोला कि अरे, जब भी मैं अलमारी खोलता हूँ ना, तो मुझे कुछ पैसे ही नहीं मिलते हैं, वो चूहा ही मेरे सारे पैसे खा जाता है। तो मैं बोला, अच्छा, वो चूहा नहीं है, तुम्हारा ट्रेडिंग लॉस है जो सारा पैसा खा रहा है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा एक दिन का कितना लॉस लिमिट है? तो बोला, 1,000 रुपये। तो मैंने बोला, अच्छा, और एक महीने का? तो बोला, 20 ट्रेडिंग दिन के हिसाब से 20,000 रुपये। तो मैंने बोला, अच्छा, अब एक साल का? तो बोला, 2,40,000। रे बाप रे, तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये तो मेरी आधी सैलरी के बराबर है। तो मैंने बोला, एग्जैक्टली, वो चूहे तुम ही हो जो अपने खुद के पैसे खा रहे हो। तो अब समझ में आया ना कि एक दिन के या एक वीक के ट्रेडिंग लॉस को कैसे देखें कि वो कितना ज्यादा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या वो तुम्हारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अंदर है कि नहीं। अच्छा, वो मेरा फ्रेंड ना बहुत ही वियर्ड हरकतें कर रहा था। तो वो थोड़ा सा हाइट पर चढ़ता, फिर नोट करता है कितना सी लेवल है, थोड़ा और हाइट पर चढ़ेगा, फिर वापस नोट करेगा कितना सी लेवल है। तो मैंने बोला कि क्यों बार बार नोट कर रहा है? तो बोला कि अरे, अगर यहाँ से गिरा ना तो बोल पाऊंगा कि इतनी हाइट से गिरा। तो मैंने बोला, अरे जिंदा रहेगा तो बोल पाएगा ना। अच्छा, अब जैसे ये बता कि तू ये हाइट बार बार नोट कर रहा है, बार बार ऊपर चढ़ के, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले नोट करता है कि कितना खाई है? तो मेरा फ्रेंड बोला, व्हाट, स्टॉक में कहाँ खाई होती है? तो मैंने बोला, होती है, पर ये पहाड़ के जैसा फीट में नहीं होती है। तो स्टॉक में कितना रिस्क है वो पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि उसका एवरेज प्राइस निकालो, और उस एवरेज प्राइस से स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया उसका डिविएशन निकालो। अब ये सभी कैलकुलेशन करने के लिए
तुम्हें कम से कम 5 से 10 साल तक का हिस्टोरिक प्राइस चाहिए होगा। ये डेटा शायद तुम्हें ना मिले। दूसरा तरीका है चार्ट यूज करने का। अच्छा, ABCD वाला चार्ट नहीं यूज करना है, कैंडलस्टिक चार्ट यूज करना है। तो लेट मी शो यू वन ऑफ द कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न फॉर वन ऑफ द स्टॉक। अब ये स्टेप्स अलग अलग पोर्टल्स में अलग अलग हो सकते हैं। आप अपने ब्रोकर से पूछें कि मुझे इस टाइप का चार्ट देखना है तो क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैंने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट शो किया है। अब तुम्हें देखना है कि स्टॉक का प्राइस कितना खाई में था। अब जैसे तुम्हें 3 साल तक ही इन्वेस्ट करना है तो इस चार्ट में आज से 3 साल पहले का मंथ देखो, जो है मार्च 2018। अब यहाँ पर ये क्रॉस लाइन रखो एंड देखो कि इस लाइन के राइट साइड में सबसे ज्यादा लो प्राइस कितना था। ये है 3 साल के प्राइस का खाई। इस स्टॉक का लो प्राइस था 256.97। अब ये अप्रोक्सीमेट प्राइस रिस्क है। अब तुम जिस भी लेवल पर स्टॉक बाय करो इतना अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि अगर मार्केट अपोजिट गया तो नीचे इतना खाई है। अब जैसे मान लो तुम्हें 5 साल तक इन्वेस्ट करना है तो ऐसे ही मार्च 2016 पर पॉइंट करते हैं। अब इस क्रॉस लाइन के राइट में देखो, यहाँ पर लो प्राइस है 170.79। सो ये स्टॉक का प्राइस इतना डाउन गया है। अब जिस भी प्राइस लेवल पर तुम इस स्टॉक को खरीदते हो, ये लो प्राइस बताता है कि खाई कितना डीप है। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि वो प्राइस इतना नीचे ना जाए, बट सबसे जरूरी बात ये है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा कैलकुलेट करो कि इसमें कितना रिस्क है, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करो। अच्छा, अब ये सब जानकर मेरा फ्रेंड बोला कि भाई अच्छा हुआ तुमने आज मुझे बचा लिया, वरना तो मैं कहीं सड़क पे पड़ा होता, क्योंकि इतना ट्रेडिंग लॉस देखकर मेरे घर वाले तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देते। तो मैंने बोला हाँ, और प्लीज रॉक क्लाइंबिंग बिना सेफ्टी गियर पहने मत करना।